और ये मुशायरा अदबी मुशायरा है, जैसा कि मैंने कहा नॉन पॉलिटिकल है। मुशायरे में चाहे वो एमआईएम का एमएलए हो, स्टेट का प्रेसिडेंट हो, राजद का हो, जेडीयू का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, तमाम लोगों को दावत दी गई है। 15 से 20 हज़ार लोगों का इंतजाम किया गया है और इंशाल्लाह जितने लोग बढ़ेंगे आगे भी हम लोगों का इंतजाम किया जाएगा। जब एनआरसी एनपीआर में सारे लोग शामिल हो सकते हैं तो मुशायरा एक अदबी मुशायरा जिसमें सारे के सारे लोग अपील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना जनाब अपना गाँव में। अभी हम लोग हैं कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कमलपुर पंचायत के अल्ता हाट में, और अल्ता हाट में आप जो ये स्टेज पीछे में देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि परसों यानी 21 तारीख को राज्यसभा सांसद व शायर हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगिरी साहब का यहाँ पे आगमन होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियाँ जोरों से चल रही है। यहाँ पे इस प्रोग्राम को जो इनका किए हैं, जिस प्रोग्राम को जिन्होंने रखा है, वो असलम मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके साथ में जितने लोग हैं वो लोग से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि पहले इमरान प्रतापगिरी साहब आते थे तो वो सिर्फ एक शायर बन के आते थे, वो महज एक शायर थे, लेकिन वो अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है तो ऐसे में सियासी रंग भी लेगा और आने वाला वक्त में 2024 में जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर के भी बातें चल रही है। क्योंकि जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो बातें चलती है कि अभी इस मुशायरा को रखने का मतलब यही है कि लोकसभा को मजबूत करना, क्योंकि कांग्रेस कोचाधामन में इतनी मजबूती में नहीं है जितना और जगह है, तो क्या पता इस मुशायरे से कुछ फ़ायदा हो सके। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए कितना बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पे महागठबंधन के बीच में ही, महागठबंधन के लोगों के बीच में ही लड़ाई चल रही है जंग छिड़ा हुआ टिकट को लेकर के। ऐसे में सर 21 तारीख को यहाँ पे जो ऑल इंडिया मुशायरा होने वाला है इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? जैसा कि आप तमाम लोग देख रहे हैं अभी हम लोग प्रोग्राम स्थल पर हैं। परसों यानी 21 में दिन रविवार अतवार अल्ता हाट खेल का मैदान में ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के मशहूर व मारूफ शायर इमरान प्रतापगिरी साहब अल्ता हाट तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके साथ बहुत सारे शोरा किराम और भी हैं जो इस मुशायरे में कवि सम्मेलन में आ रहे हैं। सर इससे पहले आप उम्मीदवार घोषित किए थे सर, और अभी 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, और अभी इस तरह का प्रोग्राम देना, बहुत कुछ राजनीति भी दिख रहा है, लोग राजनीति की बातें भी कर रहे हैं कि इसमें अभी, और पहले जो इमरान प्रतापगिरी साहब आते थे सिर्फ एक शायर बन के आते थे, लेकिन इस बार राज्यसभा सांसद बन के आ रहे हैं, आपके बीच में उसके बीच में इतनी घनिष्ठता है, क्या कुछ होने वाला है सर, नया कुछ दिखेगा क्या? देखिए मैं साफ करता हूँ कि ऑल इंडिया मुशायरा जो अल्ता हाट खेल का मैदान में होने जा रहा है ये प्योर नॉन पॉलिटिकल एक काम है, एक साहित्य का प्रोग्राम है, एक लिटरेरी प्रोग्राम है। ये बात भी सही है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद इमरान प्रतापगिरी साहब किशनगंज सीमांचल का पहली बार दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस मुशायरे में वो एक प्रसिद्ध और मशहूर कवि और शायर के नाम से यहाँ आ रहे हैं, और ये मुशायरा अदबी मुशायरा है, जैसा कि मैंने कहा नॉन पॉलिटिकल है। ये बात भी सच है कि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस का जो संगठन है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का, सीमांचल का, बिहार का, उनको वेलकम उसी तरह से करेंगे जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, संगठन का प्रोटोकॉल है। मैं भी कांग्रेस का AICC आसाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, तो मैं भी उनका वेलकम मुशायरे से पहले और मुशायरे के बाद उस प्रोटोकॉल के तहत करेंगे। लेकिन मुशायरा प्योर नॉन पॉलिटिकल है। इस मुशायरे में चाहे वो MIM का MLA हो, स्टेट का प्रेसिडेंट हो, राजद का हो, JDU का हो, कांग्रेस का हो, BJP का हो, तमाम लोगों को दावत दी गई है। ये मुशायरा जो 21 तारीख को है संडे में, उस दिन हम तमाम लोग मिलके एंजॉय करेंगे, इंटरटेन करेंगे अपने आप को, और हम चाहते हैं कि अभी
चार साल पाँच साल जिस तरह से कोरोना में कोविड में लोग परेशान रहे, लोग घरों से नहीं निकले, अब ये दुनिया पूरी तरह खुल गई है। हम अपने इलाके को पे बैक करना चाहते हैं और मैं अपने इलाके से बहुत मोहब्बत करता हूं। इसी मिट्टी में, इसी स्कूल में, इसी स्कूल के ग्राउंड में मैंने खेला है, पला है, बड़ा है, ये मकसद है। और क्योंकि ये प्रोग्राम अलता हाट पंचायत कमलपुर में हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इससे बेहतर प्रोग्राम इंतज़ाम और ऑर्गेनाइज़र अच्छा नहीं मिल सकता था। हमारे पास दो मेन स्तंभ, दो मेन पिलर, एक नजरपुर पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि और कबूलपुर पंचायत के मुखिया अबू सलमान साहब मौजूद है। अबू सलमान साहब भी अपनी बात रखेंगे। कमलपुर पंचायत के अबू सलमान, नजरपुर पंचायत के दिलीप मंडल जी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए रात दिन ये कर दिए हैं। हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं इस मुशायरे से कि देश में मोहब्बत और प्रेम ही एक रास्ता है इस देश को बचा रखने के लिए। इस देश को हम अमन से, मोहब्बत से ही जीत सकते हैं, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सर, इमरान प्रतापगढ़ के साथ और कौन कौन से आ रहे हैं आपके? इमरान प्रतापगढ़ साहब के साथ कटिहार मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा फ्रॉम RJD राष्ट्रीय जनता दल अहमद अशफाक करीम साहब भी आ रहे हैं हमारे साथ। इनके साथ इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी तौकीर आलम साहब भी आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष सह सांसद राज्यसभा अखिलेश प्रसाद सिंह साहब भी आ रहे हैं। और अभी हमें इत्तला मिली है कि बिहार सरकार के जनता दल यूनाइटेड के दो मंत्री जमा खान साहब और अशोक चौधरी साहब भी यहां तशरीफ ला रहे हैं। ये प्रोग्राम किसी पार्टी का, किसी सियासी जमात का नहीं है, खासकर मुशायरे की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा, ये मुशायरा प्योर अदबी प्रोग्राम है। सर, कई लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि आखिर फ़ायदा क्या है मुशायरा से, अब तक मिला क्या सीमांचल को मुशायरा से, क्योंकि मुशायरा से यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ साहब चमक गए, वो राज्यसभा सांसद बन गए सीमांचल में मुशायरा पर बढ़ के, लेकिन सीमांचल को क्या मिला? ये जो टूर है उनका दो दिन का, दो दिवसीय दौरा है, उसमें से एक प्रोग्राम मुशायरा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे AMU किशनगंज चकला जाना, AMU किशनगंज सेंटर हलीम चौक का विजिट करना, तीन चार डेलीगेशन यहाँ के जो बड़े बड़े समाजी तालीमी लोग हैं, जो लोग डिफरेंट किस्म के इदारे चलाते हैं, जो लोग NGO चलाते हैं, उन डेलीगेशन से मिलना, यहाँ की मसाइल को समझना, ये मकसद है। प्रोग्राम दो दिन का है, इसमें समाजी तालीमी इक्तसादी तमाम पहलू पे गुफ्तगू है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम मुशायरा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ साहब MP बनने के बाद पॉपुलर नहीं हुए, जितना पॉपुलर वो पहले थे उसी बराबर में आज भी पॉपुलर हैं। इमरान प्रतापगढ़ साहब सीमांचल में मुशायरा करके राज्यसभा नहीं बने, सीमांचल के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। इमरान प्रतापगढ़ साहब को सिर्फ सीमांचल, हिंदुस्तान, बिहार के लोग नहीं जानते हैं, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, देश नहीं है जहां इमरान प्रतापगढ़ साहब नहीं गए हो और उनको लोग नहीं जानते हैं। ये मुशायरा से सियासी माहौल गर्म हो सकता है, आपका क्या हिसाब है? मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि माहौल को ठंडा रखिए, शेर और शायरी से शौक़ रखिए। 5-7 साल जो अभी जहन कुंद हो गया है, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, घरों से निकल नहीं पाए, उन चीज़ों को भूल करके पूरा एंजॉय कीजिए, मुशायरे का आनंद लीजिए, कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए, एक शाम आप लोगों के नाम एंजॉय कीजिए। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी हो सकता हो अपनी बात कहने लगे, लेकिन आम जनता होने के नाते, आम आवाम होने के नाते आप ज़्यादा समझदार हैं। समझिए वही जो आपको ब्रेन अलाउ कर रहा है, आप वही बात समझिए जो आपकी समझ में आ रही है, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। हमारे साथ स्थानीय मुखिया अबू सलमान साहब हैं, किस तरह का तैयारी चल रहा है यहाँ पर आपके तरफ से? यहाँ तो तैयारी बहुत जोरों पर है और हमें इंतज़ार है उस घड़ी का, और वो घड़ी 2 दिनों बाद 21 तारीख शाम 6 बजे से मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पर मौजूद है बड़े भाई इंजीनियर असलम मलिक साहब, अल्पसंख्यक प्रभारी असम, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम यहां आगाज़ किया है। और हम लोगों को
एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को बखूबी हम लोग निभाएंगे। कितने लोग को आने के जो है पूरा यहाँ 15 से 20 हज़ार लोगों का इंतजाम किया गया है और इंशाल्लाह जितने लोग बढ़ेंगे आगे भी हम लोग का इंतजाम। मुखिया जी, इससे पहले कई प्रोग्राम ऐसा भी हुआ है जहाँ पे भगदड़ मचा है, तो यहाँ पे आप लोग का प्रशासन को लेकर के कैसी देखा? लोगों से काफी उम्मीद है और प्रशासन के लोगों से भी उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि इसी को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने पार्टीशन किया है और लोगों से उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो मंच लगा है काफ़ी इंतजाम किया गया है और सभी लोगों से अपील है कि आप लोग यहाँ आए, सभी शांतिपूर्वक प्रोग्राम को सफल बनाए ताकि यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाए और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का प्रोग्राम और भी किया जाए ताकि अच्छा यहाँ से मैसेज जाने के बाद और भी किया जाए। क्या नाम होता है, क्या तैयारी चल रहा है, चूंकि आप भी बहुत कुर्बानी दे रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? देखिए, अब ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मुझसे बेहतर ये लोग दे पाएंगे, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूं। हाँ, ये है कि असलम मलिक साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने एहसानात हैं जिसे शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ और ये मैं मीडिया में कह रहा हूँ। तो असलम भाई जहाँ हैं निश्चित रूप से हमें वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ खड़ा रहना चाहिए। और ये भी सच है कि कुछ लोगों का कहना जो शुरुआत में ये लोग बोलते गए कि साहब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपने देखा होगा CA NRC NPR का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, या वो सारे मुद्दे जिनमें सब लोगों की शमूलियत होती है ना, जब NRC NPR में सारे लोग शामिल हो सकते हैं, तो मुशायरा एक अदबी मुशायरा जिसमें सारे के सारे लोग अपील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए और इसको मतलब जो पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा करके हम लोगों को इसको एंजॉय करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया।